हाँ जी, अज हैगी 23 जनवरी शाम के बजे साढ़े 7 तो आप चलिया मार्केट तक। मैं सोचा क्यों ना अच्छ बहुत दिन बाद बनाया जाए छोटा जा ब्लॉग। संदीप पापा कितने जा रहे हैं? देखो गाइस अज संडे का दिन है तो पूरा दिन असी घर ही सी, पूरा दिन असी बस इदा ही कढ़िया घर ही खा लिया पी लिया सौ गए है ना। तो हूँ एकदम 7 बजे मैं कहते मैंगो शेक पीन नूं जी करदा तो असी बस तिने जने तैयार होए तो मार्केट वाल चल पे। असी डैम श्योर हैं कि सानू मैंगो नहीं मिलने मार्केट चो पर फिर भी असी तुर पे। राइट मिलने जोरा कहता राइट। जोरावर दे भी बहुत फेवरेट है मैंगोज। ये मैंगो शेक तो नहीं पीता, इनू वैसे ही मैंगो खाना पसंद आ, बट इस वैदर च मैनू लगता नहीं अपन खाने चाहिए क्योंकि मेरी आवाज़ तो भी तुम्हें लग रहा होना गला खराब है तो मतलब सबनों ही इदा है ना खांसी जुकाम चल ही रहा है पर फिर भी यह तुर पे नहीं। चलो आप देखते हैं अच्छ आप इस हाँ आप अच्छ देखते हैं कि मैंगो मिशन अपना कंप्लीट हों नहीं। निकल पे असी मैंगो मिशन दे। क्यों है जरावर? अच्छा जरावर ने तो रेडियो से देख रहा कहता ओह कल बनाने ही सी। आ गए आप फ्रूट मार्केट तो हूँ आप इतों देखते हैं अपन मैंगोस मिलते हैं या नहीं मिलते। जराबर उधर है फ्रूट मार्केट राइट हैंड साइड या देखो इतने मैनू कुछ येलो जा सर्कल दिखी जाता है। नो नहीं मैंगो नहीं सी, पपाया पपाया शेक पी लो है। नो बनाना शेक अज तो मैंगो रावर तेरा मैंगो शेक जमा नहीं फेवरेट है मैनू पता दसी। फिर की खाएगा? अच्छा तू मैंगो खाएगा मैंगो शेक नहीं बिंदा या थोड़ा पी के ट्राई करेगा? ओके थोड़ा ज्यादा तो पीना होना है हमेशा है ना, एक दो सिप पीना होना है। यू टर्न ले लिया तो हूँ आप फ्रूट मार्केट वाली साइड पर आ गए। पहले आप साइड वाली रेहड़ियों से भी देखते आए थे भी कि पता मिल जान मिल जान। इधर निगाह मारेंगे हम आप फ्रूट मार्केट आ गए बठिंडा फल बाजार। गाइस देखो थानू कि मैंगो दिख रहे ने देख रहे नो नो संदीप नो उतर के पूछे हो क्या जरावर सही आइडिया कहता सही आइडिया कि एक्साइटेड है मैंगो खाने लिए जनवरी दे विच मैंगो पाल दी। चलो उतर के जाओगे जब ना मिले हम तुम दोनों प्यो पुत की करोगे फिर जरावर? बनाना खा लोगे बेचारा। देखो अज असि तीनों ना डैडी स्टफ दी जैकेट्स पा के आए। जरावर ने जैकेट पाई हुई है ना ते हस्बैंड ने हुडी वेयर की तुम दिखाने की लाइट्स मिल गए ने लो जी मिल गए ने मैंगो किन्ने ने 1 2 3 4 वाह 500 रुपए किलो की 500 रुपए किलो मैं गुठली खा लूंगा कहंदा एदा फेवरेट काम की कह रहे सी की रेट 500 रुपए किलो 500 रुपए किलो अंब मैंगो शेक दे चक्कर च देखो गाइस। चलो फिर मिशन फते ठीक है हाउस जाके खावांगे बेटा इत्थे थोड़ी रास्ते च खावांगे मैंगो। किवें लग रहा फिर तुहानू अज फाइनली अपनी दिल दी रीझ पगा के? पता नहीं अज सवेर दे दिल करदा सी पहला ऐसी भी जाके खा के आईए मैंगो पी के आईए मैंगो शेक फिर गई नहीं बार। मैंगो शेक मिलता है हले भी मार्केट च? मिल जाता होगा। अच्छा पर मैनू नहीं मार्केट का मैंगो शेक वधिया लगता।
अच्छा मेरा तो वैसे गला खराब है, मैं तो नहीं पी पाऊंगी, बट मैं टेस्ट जरूर करूंगी। तो इन्हों आप बना के देवे मैंगो शेक। तो हम माड़ा जहा चौकी के स्टोर से रोक लियो, नहीं खुला सी, मैं थर्मल वेयर्स लैने ने, की कहने होंने आप वार्मर, ठीक है, तो फिर आप चलेंगे घर। लो जी जौकी दे स्टोर ते आपां पहुंच गए, आ जाओ। नहीं क्यों गड्डी खड़ाण नूं, मैंगो वारी तां बड़ा उतर के चले गए सी। जायो नहीं नाल चलो, नो गड्डी किथे खड़ावांगे, किथे खड़ा दो फिर की हुंदा, चलो ना देखो तुहानूं मैंगो दे नां ते किड्डा मेहना मिल गया। हमेशा कोई भी शॉपिंग करनी होंदी है मैनूं उतार दिंदे कहणगे मैं घर च बैठा तू जा के ले आ, अज आप लैके जावे, ठीक है। चलो जराबर वैसे अच मेरा लक्षिता जान का भी बहुत मन से उत्थे लक्षिता का स्टोर, बट फिर मैं सोचा फिर कदे सही, अज आप वार्मर ही लै लें क्योंकि इन्हों की ज़्यादा लोड़ है। लो जी मिशन कंप्लीट, अज आप मैंगोज भी मिल गए हैं, तो देखो जॉकी दे मैं तीन वार्मर लै लें अपने लिए, ठीक है। चलो हम चलते हैं। चलो जी हम आप चलीए घर सीधा, दुध वगैरह लै चलते हैं। सच अज हसबेंड घरों नहीं गए, पूरे दिन के घर ही सी, नहीं तो ऑफिस तो आते टाइम दुध दही जो भी चाहिए होंगे लैके आने होंगे, तो अज असी जाते हुए लै जाएंगे। वैसे घर पिया भी आ पर फिर भी लै चलते हैं ना, कल फिर डे टाइम मैं कल हूँ घर औखा हो जाता। चलो फिर हसबेंड लैन गए ने दुध, तो ड्राइवर की होया टुकू वाल आई ना, टुकू ने याद करी ने टुकू टुकू दी याद आ गई ड्राइवर नु, टुकू टुकू दी याद आ रही है नु, टुकू केड़ा आ की एदा किवें दुध मिलया है ड्राइवर रिस्क थोड़ी ले दा हुंदा, तेज तां सीगी नहीं इन्नी कदा नहीं हुंदा, ज्यादा तेज नहीं चलाएगी। चलो जी घर आनो, आए नहीं कद किन्ने बजे आवे, लेट ही आवणगे बेचारे ने सानू देख के ना ढोल चक ले, इत्थे ब्याह सी ढोल बजाण लग गए इन्हां नूं लग गया कितें गड्डी आउणी शुरू हो गई ब्याह लिया। लो जी हसबेंड कहते समान फिर कटा के वॉक कर लिए थोड़ी जी, फर्स्ट आऊंगा। लो जी अस कर रहे हैं वॉक, प्रीति आप तो अगे ना होंगे थोड़ा तेज हो जाए, प्रीति फास्ट फास्ट जावे आप भी जरावर दे जंप जोरा, इधर डॉग बैठे ने देखो देखो जंप मार रहा। वैसे मेरा वॉक करन नूं जम्मा ही जी नहीं करता, जिद्दां दी सर्दियां आ प्रॉपर ठंड जी ज़्यादा स्टार्ट हुई है ना, तो मैं कदे वॉक नहीं कीती। ड्राइवर स्लो गिर ना जायो, मैं लगदा जिन्ना तेज आपां जा रहे हैं ना एक राउंड ला के करे भज्जांगे थक जांगे। ड्राइवर कित्थे गए तुसीं, इत्थों दी निकल गया कहिंदा मैं शॉर्टकट मारदा, ड्राइवर वॉक से थोड़ी शॉर्टकट मारी दा हुंदा। वॉक से कौन शॉर्टकट मारदा हुंदा ड्राइवर, जित गया कहिंदा जित गया, थक गया जी, हां थक गया ना हुण, वधिया ना थकना जरूरी हुंदा है। ओहो आ क्यों गया और अपनी बॉडी नहीं तो कहीं और गुड़ा नहीं लाना गाइस, ऐसे दो राउंड ला ले सी कहंदे एक राउंड और लाना हैगा
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ ਯੇ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ 1.25 ਕਿਲੋ ਮੈਂਗੋਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਏ ਸੀ ਇਹ ਥਰਮਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਪੌਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਲੈਗਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਲੈਗਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਕੱਟ ਸਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟ ਸਲੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਗਿੰਗ ਆ। ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਏ ਨੇ ਨਿਊਡ ਸ਼ੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਡਰੈਸ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਏ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਸਲੀਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ 679 ਰੁਪੀਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 680, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ 800 ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 829, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੇਖੋ 2307 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਾਵਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾਵਰ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਜ਼ਰਾਵਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂਗੋ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਵਰ ਗੁੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾਵਰ, ਫਿਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂਗੋ ਕੱਟਣਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਹਾਫ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਯਮ, ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਜ਼ਰਾਵਰ ਮੈਂਗੋ ਖਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨਲੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੇਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ 1.5 ਕੁ ਮੈਂਗੋ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਕੁ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਕ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 1.5 ਕੁ ਮਿਲਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਿਲਕ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਰੈਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਗੀ ਪਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚ ਗਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਟੇਸਟ ਦੱਸੋ,
ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਓ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗਾਈਜ਼ ਆਪ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਮੀ ਔਰ ਗਾੜੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ ਗਲਾਸ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਰਾਵਣ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਆਪੇ ਵੀ ਆਪੇ ਪੀ ਲਾਂ ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਰਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗਲਾਸ ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੀ ਪਾਊਗਾ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਟੇਸਟ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜ਼ਰਾਵਰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਹੈਲੋ ਆਈ ਜ਼ਰਾਵਰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ वीडियोस देख रहे हैं ना मैं बस एंजॉय कर रहे हैं लोग चलो गाइस चलिए आप किचन मिस्टर हस्बैंड ने अपना होल मैंगो शेक पा के आया लो जी होल खराब ही होगा सारा रोडा ही है मैं तो कभी पिंदी नहीं हुंदी तुम्हें पता टेस्टी करती हूं मैं तो जस्ट फ्रिज में चला रख हां बाहर ही रख लेनी है ना बाकी फिर भी होंगे थोड़े टाइम बाद एक्चुअली गाइस ये मेरा ना फेवरेट है ना इन्होंने थोड़े थोड़े टाइम बाद पी जाने का वन रात तक खत्म कर देना मैंने पता आप इतने इन ढक दें तो चलो फिर हम मैं अपने घर के होर काम कर दी फिर थोड़े टाइम मिलती हूँ तुम अज तो ब्लॉग सोचे छोटा जहा बट काफ़ी व्डा हो ही जाता है चलो गाइस तुम कुछ दिखाने आप दिखाने देखो असं अपने ना घर के डोरस के विंडोज़ के डिजाइन सिलेक्ट करने लिए ये किताबा लिया तो थोड़े जे वर्के ने ये बहुत सारे वर्के ने एनीवे ये तो सी मजाक की गल तो इतने तुम देख सकते हो इन तो आप अपने घर के डोरस के विंडोज़ वगैरह बनवा रहे हैं तो डिजाइन वगैरह दिखाने आप ਜ਼ਰਾਵਰ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾਵਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਓ ਕੈਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਜ਼ਰਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੀਅਰਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰ ਪੈਲਟ ਹੈ ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਡੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹੀ ਸੋਚਿਆਗਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ मैं तुम्हें दस दिनी हाँ कि सस्पेंस रखना है चलो असी घर के जोड़ा कॉम्बीनेशन रख रहे हैं वो डार्क ग्रे तो वाइट का रख रहे हैं ठीक है तो उस तो बाद इतने तुम देख सकते हो इतने भी बहुत ही कुछ है ठीक है तो देखो किचन एक्चुअली अज ना संडे आ कल मंडे आ कल सानू सेंड करनगे फोटोज वगैरह बना के फिर तुहाडे नाल भी शेयर करेंगे कि अपनी किचन किदां दी होगी ठीक है तो इतने मैं तुम्हें दस दिनी असी की सिलेक्ट किया ये वाला जिहड़ा अपना उपर वाला पोर्शन है ना वो आप डोरस इदा के सिलैक्ट किए ने अपने भी उपर दो रूम ने तो इदा ठीक है ये आप सिलैक्ट किया एक ये मतलब फाइनल होया तो होर ये की फाइनल होया मैं तुम्हें दस दी हाँ देखो हाँ जी बेटा बस देखो ज़रावर हो चलो इन्ना छड़ता चलो इन्ना मैं पी लैनी हूँ फिर मिलने एक मिनट रुको तुम यम्मी देखो गाइज काफ़ी वधिया ब्रांड है इन्होंने इन्ने सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं उत्थे सर्टिफिकेट वगैरह कराया इन्होंने तो एक चीज़ होर फाइनल हुई सी इतों से वार्डरोब का डिजाइन भी फाइनल किया बट मैं ना हूँ इन्ना समझा जहाँ नहीं आता गा जो बन गया तो दिखा दूँ इतने सारे हैंडल्स वगैरह एक मिनट ये शायद वो सारे ये डोरस का डोरस के असं की सिलेक्ट किया देखो ये वाला डोर सानू ज़्यादा वधिया लग्या बट इनू असं सोच रहे जिदा थोड़ा डिजाइन है ना असी प्लेन करवा लीए आता कॉमन ही है तो यह सानू थोड़ा अच्छा लग्या है तो यह भी मतलब कॉमन है प्लेन डिजाइन है बट मैनू लगता डिजाइन जहाँ पवान ना प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता तो ये भी कलर पैलेट है बट कलर असी वाइट ही सिलेक्ट किया ठीक है तो ज़रावर कह रहा सी आ वाला डोर लगवाण नू ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੇ ਡੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡੋਰਸ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਕਲਰ
फ्लोर या किचन किदां दी होएगी किचन किदां दी होगी ते बाकी जिदा डाउन सीलिंग वगैरह ते मतलब ये सारा कुछ आप सिलेक्ट करना होंगे ते हुण फाइनली वह बारी आ गई जिदे सानू बहुत ही ज़्यादा वेट सी क्योंकि घर बनना छत पैनी तो एक मतलब उतो तक तो मिस्त्रियों का काम सीगा हुण मतलब अपने ते आपदे ते जिम्मेवारियां आ गई हुण आपां ये चीज़ां फाइनल कर दें तो बड़ी मज़ा हुण मतलब फील आ रहा कि अपना घर बन रहा ते इन्हां तों आपां अपने डोर्स ते विंडोज़ दा जिहड़ा हैगा ते किचन किचन भी अपने यही रेडी करके देंगे ठीक है इन्हां तों करवा रहे हैं ठीक है। सो गाइज इस दे नाल ही आपां इस वीडियो नूं इत्थे ही एंड करदे आ। मैनूं लग्गिया वीडियो एंड करन तों पहलां चलो जिद्दां हुंदा ना आपां व्लॉग्स दे विच जो अपनी लाइफ 'च चल रहा हुंदा तुहाडे नाल शेयर करदे आ। मैनूं लग्गिया इह वी अपनी लाइफ दा इक पार्ट है तुहाडे नाल आपां नूं शेयर करना चाहीदा तां मैं तुहाडे नाल शेयर करता ते बस इह सी अज दा अपना व्लॉग ते चलो फिर गाइज मिलदे आ नैक्सट वीडियो दे विच। तद तक लई बाय बाय टेक केयर।